देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है और इस साल भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक इसे मनाया गया। हम सभी के लिए ये अहोभाग्य है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गौड़ समुदाय के लिए विशेष रूप से ये बहुत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हम सभी की तरफ से स्वागत करने के उनको पुष्प गुच्छ भेंट करें। सबसे पहले मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूँ, पुष्प गुच्छ भेंट कर हम सभी की भावनाओं को, हम सभी के प्यार को प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ, फूल भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। और अब हमारे जनजातीय समुदाय की तरफ से विशेष तोहफे, मैं हमारे माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को वैगा आभूषण बीरन माला भेंट करें। बीरन माला से बैगा जनजाति की आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि बीरन माला भेंट कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। इस माला को धारण करने से शांति मिलती है और जो विपदा या संकट आने वाला होता है वे दूर हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब निवेदन है प्रधानमंत्री जी को बैगा फेंटा भेंट करने के लिए। ये बैगा समाज का पारंपरिक साफा है जो विशेष अवसर पर पहना जाता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसे प्राकृतिक वस्तुओं से सजाया जाता है। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए। देवी सज्जनों, ये गोंड शैली चित्रकारी है जिसे श्रीमती अनीता व्याम द्वारा बनाया गया है और इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वंदन केंद्रों द्वारा बनाए गए उत्पाद भेंट करने के लिए। देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री वंदन केंद्र योजना के अंतर्गत लघु वन उपज संघ उत्तर शहडोल द्वारा ये सभी उत्पाद बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से भेंट किए गए हैं। और अब मैं हमारे माननीय ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ते जी को आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत संबोधन के लिए। भारत माता की, रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के गौरव आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारत के परिवार कल्याण एवं रासायनिक उर्वरक मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडिवा जी, हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री पीएस बघेल जी, जनजातीय राज्य मंत्री श्री मती रेणुका सिंह जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश से ही सभी सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, वर्तमान, पूर्व और सभी हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण, आयोग के अध्यक्ष और इस विशाल जनसभा में विशेष तौर से यहाँ पर उपस्थित सभी इस मध्य प्रदेश और इस पूरे महाकौशल पूरे रीजन के सभी आदिवासी भाई और बहनों, आज हम सबका ये सौभाग्य है
कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमने फैसला किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, 22 तारीख से रानी दुर्गावती गौरव यात्रा 5 अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होकर के आज शहडोल की धरती में इसका समारोह हो रहा है। आपके करकमलों से, आपके आशीर्वाद से इसका समापन होगा। रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं, उनके 52 गढ़ थे और उन 52 गढ़ों में से 63 ऐसे रियासतें उस गोंडवाना साम्राज्य की इस धरती में थे। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1400 वर्षों तक गोंडवाना शासक, इस गोंडवाना साम्राज्य, इस गोंडवाना भूभाग के अंदर उनका शासन रहा। और एक बात मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने अभी अभी अमृत सरोवर, ये अमृत पाल हमने मना रहे हैं, और आज इस अवसर पर उस समय की रानी दुर्गावती के शासन काल में हमारे 57 ऐसे बड़े ताल और तलिया बने। और आज मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि आपने इस भारत में सभी जिलों के अंदर ये जो 75 ऐसे अमृत सरोवर बनाने का निर्णय किया, और उस समय की जनता को रानी दुर्गावती के शासन काल में गौंड शासकों ने अपने प्रजा के लिए जो करने का निर्णय किया, आज भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस काम को प्रारंभ किया है। और इसलिए भाई और बहनों, ये हमारे लिए और विशेष गौर से हमारे जनजाति समाज का ये गौरव सम्मान का विषय है। दूसरे तरफ हमारे इस आदिवासी क्षेत्रों में ये जो सिकल सेल की बीमारी और इसके इलाज के लिए आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय के आने के बाद निरंतर इस बात के लिए चिंता हुई, और पूरे भारत में मुझे याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय गुजरात के अंदर इस काम को प्रारंभ किया, उसके ट्रीटमेंट के लिए उनने वहां से कार्य प्रारंभ किया। और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में इस बीमारी को जड़ मूल से नष्ट करने का ये जो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने, आज इसकी शुरुआत आज इस महाकौशल की इस धरती शहडोल से हो रही। और इसलिए आप सब भाई और बहनों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी भाई और बहनों के तरफ से एक बार हाथ खड़े करके आदरणीय भारत के सर्वमान्य प्रधानमंत्री, देश के नेता को आप हाथ उठा करके उनका स्वागत कीजिए। आप सब भाई और बहनों को मैं प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज एक बहुत बड़ा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लॉन्च होने जा रहा है। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2047 तक भारत को सिकल सेल अनीमिया मुक्त बनाना है, और इसी संकल्प को सिद्धि तक ले जाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन की कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर रहे हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्हें अब मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आम सब के प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम से जुड़े केंद्र सरकार के मेरे साथी श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, श्री विशेश्वर टुडू जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरे सहयोगी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी,
डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी यहाँ उपस्थित एवं वर्चुअली जुड़े राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज हिंदुस्तान का यह दिन इतिहास के सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिकल सेल एनेमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सिकल सेल एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो भारत में खास तौर से आदिवासी जनजाति में पाई जाती है। यह बीमारी देश की जनजातियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विश्व के बहुत सारे देशों ने इस भयावह बीमारी से मुक्ति पा ली है। भारत सरकार के स्वास्थ्य कल्याण और जनजाति कार्यालय मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करके सालों की मेहनत के बाद इस बीमारी को रोकने और खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। यह कार्य योजना के पिछले सरकारों में भी हो सकती थी, लेकिन नीति और इच्छा शक्ति दोनों के अभाव से यह कार्य अभी तक नहीं हुआ था। इस अभियान के तहत देश के 278 जिलों में 0 से 40 वर्ष तक की लगभग 7 करोड़ आदिवासी आबादी का सिकल सेल रोग की टेस्टिंग करके एक स्मार्ट कार्ड देने की योजना है। इसके दो उद्देश्य है। पहला है सिकल सेल से ग्रस्त व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ उपचार मिले। दूसरा, ऐसे दो लोगों को शादी करने से रोका जाए जिससे पैदा होने वाले बच्चे को सिकल सेल रोग का खतरा ना हो। सबका साथ और सबका प्रयास से आने वाले 2 सालों में इस कार्य को पूरा करके हम सिकल सेल ग्रस्त बच्चों के जन्म को रोक सकेंगे। साथ ही सिकल सेल रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य उपचार देकर उनके जीवन को स्वास्थ्य एवं खुशहाल बना सकेंगे। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मैं देश के सभी आदिवासी भाई बहनों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि बच्चों की शादी से पहले आप कुंडली मिलाए या ना मिलाए, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको जो स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं उसे अनिवार्य रूप से मिलाए और फिर शादी का फैसला करें। आज के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। इस कार्ड से प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का आरोग्य बीमा मिलता है। अगर किसी गरीब के घर में कोई बड़ी बीमारी आती है तो वह इस आयुष्मान कार्ड की मदद से ऐसे अस्पताल में इलाज करा सकता है जहां पहले सिर्फ पैसे वाले लोग ही इलाज करा पाते थे। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा नागरिक इस लाभ को उठाए, उसके लिए प्रयास करते हुए हम देश के सभी गांव में आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गांव के लाभार्थियों की सूची को प्रदर्शित करना, वंचित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी देना और इस योजना के तहत आने वाले अस्पतालों की जानकारी प्रदान करना शामिल है। इस आयुष्मान ग्राम सभा की शुरुआत मध्य प्रदेश के 25,000 गांव में आज हो रही है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसा वरदान है जिससे देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को आरोग्य कवच दिया गया है। आज तक 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना के साथ करीब 28,500 अस्पताल जुड़ी है। इस योजना के तहत प्रतिदिन देश के किसी न किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लगभग 45,000 से अधिक मरीज दाखिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रति मिनट लगभग 30 देशवासी इस योजना से स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। इस सभी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में
मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक मौके पर देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में लगभग 60,000 से ज़्यादा जगहों से लाखों लोग वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करके देश के लगभग 50,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी जोड़ा गया है। इस मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए देश के लाखों लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी हमें आज के इस कार्यक्रम के बारे में और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो प्रयास हैं इन कार्यक्रमों की तरफ, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी देने का। दिव्य सृजनों, इस मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले इसे मध्य प्रदेश में पायलट स्तर पर इसे लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। 15 नवंबर 2021 को हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष में, और ये मिशन मध्य प्रदेश में काफ़ी सफल रहा। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। बोलिए भारत माता की। भारत माता की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। हम सबके सौभाग्य से आज हमें मार्गदर्शन करने आए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल में जो बसते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक बार प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे इस विभाग के मंत्री आदरणीय मांडविया जी, मनसुख भाई, एसपीएस बघेल जी, भारती पवार जी, विश्वेश्वर टूटी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। वीरांगना रानी दुर्गावती जी का 24 जून को बलिदान दिवस था, और उस दिन 5 यात्राएं प्रारंभ हुई थी। 27 जून को शहडोल में उनका समापन था, और उसी दिन वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस पर सम्मानी प्रधानमंत्री जी रानी दुर्गावती जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने वाले थे, लेकिन भयानक बारिश के कारण, मौसम की खराबी के कारण प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस समय जनता को अनावश्यक परेशानी होगी, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं शहडोल आऊंगा जरूर, और आज वो सौभाग्य से हमारे बीच पधारे हुए हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर को उनका 500वां जन्म दिवस है, 5वीं शताब्दी प्रारंभ होगी। रानी के चरणों में प्रणाम, और उनका एक विशाल स्मारक मध्य प्रदेश की धरती जबलपुर में बनाया जाएगा, और साल भर तक अनेक गतिविधियां उस समय की जाएगी। एक तरफ दूसरी सरकारें होती थी जो केवल एक खानदान का महिमा मंडन करती थी, लेकिन रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, रानी कमलापति, हमारे अमर शहीद टंट्या मामा,
बिरसा भगवान इनके स्मारक अगर बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाए हैं। मैं एक बार फिर रानी दुर्गावती जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। अभी मनसुख भाई बता रहे थे, आज केवल शहडोल में कार्यक्रम नहीं है, मध्य प्रदेश में 25,000 जगह आज आयुष्मान सभाओं का आयोजन है और 1,06,00,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे जाने हैं। ये केवल आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये 5,00,000 रुपए तक की साल भर में इलाज की पक्की गारंटी है आयुष्मान कार्ड। यह जिंदगी बदलने का अभियान है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन मुझे आज याद आ रहा है, एक जमाना था जब 1.25 साल के लिए दूसरी सरकार बनी थी, उनने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए। प्रधानमंत्री जी जनता का इलाज फ्री में करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की उस सरकार ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए। मुझे कहते हो तकलीफ है शहडोल वालों, ये पूरा अंचल जानता है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया, आदिवासी मेरी बहनें भी हैंडपंप से नहीं, उनके घर पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे ताकि टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए। लेकिन 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनने जल जीवन मिशन का पैसा मोदी जी ने पानी के लिए दिया, लेकिन जल जीवन मिशन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया। अरे और तो और, प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा जाओ गरीबों के घर बनाओ, लेकिन पता नहीं क्या तकलीफ थी कांग्रेस और कमलनाथ जी को, 2,00,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वापिस कर दिए। बोले हमें नहीं चाहिए, ये गरीबों के साथ अन्याय क्यों कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बताना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री छोटे किसान को भी 6,000 रुपया साल देते हैं, इनने सूची ही नहीं भेजी। एक नहीं, प्रधानमंत्री जी की, भारत सरकार की ऐसी अनेकों योजनाएं जो जनता की जिंदगी बदल देती, कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार ने लागू नहीं की। बहनों और भाइयों, लागू नहीं की। लेकिन जब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब 83,00,000 किसानों को मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं, जोर से बताओ मिल रही है कि नहीं। मुझे कहते हो खुशी है, 38,00,000 मकान इस सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने दिए और आज गरीबों के घर बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आयुष्मान कार्ड आज 1,06,00,000 आयुष्मान कार्ड बांटे जा रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना के पैसे का ठीक उपयोग नहीं किया। अरे और तो और, मेरे बहनों और भाइयों, जो बेगा भारिया और सहरिया जो गरीब बहनें थी उनको 1,000 रुपया देते थे हम, इसलिए कि घर में परिवार के पोषण का स्तर सुधर सके। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। और तो और, लड्डू के पैसे मिलते थे बहनों को डिलीवरी के बाद, वो भी कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया, तुमने बेगा भारिया सहरिया बहनों का पैसा छीना, लेकिन अब हम सब गरीब बहनों को 1,000 रुपया महीना देके उनकी जिंदगी सुधारने का काम करेंगे। लाडली बहना योजना यहां बन गई। डबल इंजन सरकार का यही फायदा है बहनों और भाइयों, कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो ढंग से जनता के कल्याण के लिए लागू करना चाहिए, वो जब डबल इंजन की सरकार होती है तभी लागू होती है, नहीं दूसरी सरकार बीच में ही गायब कर देती है। या विकास के जितने काम हुए, शहडोल हो मध्य प्रदेश हो, कोई काम कांग्रेस ने किया क्या? अरे कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई क्या? जोर से होता बनवाई क्या? इतनी मेडिकल कॉलेज कौन ने खोला? इंजीनियरिंग कॉलेज कौन ने खोला? या यूनिवर्सिटी कौन ने बनाई? विकास के जितने काम हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से विकास की गंगा मध्य प्रदेश की धरती पर बह रही है। ऐसे प्रधानमंत्री जी जिनका पूरी दुनिया आज हृदय से सम्मान करती है,
पहले भारत का मान सम्मान और इज्जत ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आए हैं नए सपनों की नई उड़ाने अब अपने पर खोल रही है। आज देखो सारी दुनिया भारत की जय बोल रही है, भारत की जय बोल रही है। ऐसी भारत की जय करने वाले, दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले और देश की जनता की जिंदगी बदलने वाले प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर आप तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत, एक सुंदर भारत और मध्य प्रदेश की तस्वीर हमें दिखाने के लिए। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस मिशन की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने अब इस मिशन को समूचे भारत में लागू करने का फैसला किया है। समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का और देश के सभी 17 प्रभावित राज्यों में इस मिशन को अब लागू किया जाएगा। इस मिशन के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं एक लघु फिल्म के माध्यम से। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा चुके हैं। इनमें सफल परिणामों से इस विषय की गंभीरता को समझने में मदद मिली है। अब उनके नेतृत्व में इस मिशन को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए वर्ष 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन बहुआयामी जागरूकता प्रयासों तथा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के माध्यम से आदिवासी नागरिकों को स्वस्थ, पीड़ा मुक्त और लंबा जीवन देने में कारगर साबित होगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन को समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का निर्णय लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों तथा अभियान शिविरों में 0 से 40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग मिशन मोड पर की जाएगी, ताकि वर्ष 2025 से 26 तक 17 प्रभावित राज्यों के लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच की जा सके। प्रत्येक स्क्रीन किए गए व्यक्ति को उनका स्टेटस बताने तथा जेनेटिक काउंसलिंग हेतु कलर कोडेड कार्ड भी दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान करने पर उनके भावी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना का तुरंत पता चल जाएगा। यदि इस कार्ड का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनीय मदद मिलेगी। अभियान के अपेक्षित परिणाम पाने के लिए सिकल सेल रोग प्रबंधन में 3 प्रकार की समावेशी रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोगियों और उनके परिवार जनों को आश्वस्त करने और जन चेतना के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाएगी।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमियों द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही नवनिर्मित सिकल सेल पोर्टल, मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका, व्यापक प्रचार प्रसार सामग्री एवं प्रशिक्षण सामग्री का भी विमोचन किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एकलव्य विद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज सहित 50,000 से ज्यादा स्थानों पर लोग इस विमोचन में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में योगदान दें और भारत को सिकल सेल के नए मामलों से मुक्त कराने में सफलता दिलाएं। तो दिव्य सज्जनों, ये थी इस मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी। पर इस मिशन के समय पर पूरा होने के लिए और इसे कुशल कार्यान्वयन के लिए ज़रूरी है कि इसकी हर स्टेज पर मॉनिटरिंग की जाए, निगरानी की जाए। तो भारत सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए सिकल सेल राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया है। ये पोर्टल राज्यों को मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय पर ट्रैक करने, दक्षता और परिणामों में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आप सिकल सेल नेशनल पोर्टल को लॉन्च करें। देवी सज्जनों, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपना सिकल सेल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे और सिकल सेल रोग से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काफ़ी दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मैं पुनः निवेदन करती हूँ मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका ऑपरेशनल गाइडलाइंस का विमोचन करने के लिए। देवी सज्जनों, ये गाइडलाइंस मिशन के कार्यान्वयन के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है। विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। भारत सरकार द्वारा अनेक ट्रेनिंग और काउंसलिंग मॉड्यूल्स भी तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता वर्धन के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन करने के लिए। ये मॉड्यूल स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ साथ विभिन्न स्थानों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रशिक्षण के मानकीकरण में भी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा तैयार किए गए गैर स्वास्थ्य कर्मियों, माता पिता और शिक्षकों के लिए तैयार किए गए जागरूकता मॉड्यूल का विमोचन करने के लिए। गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए यह मॉड्यूल सिकल सेल रोग की रोकथाम और स्क्रीनिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है। और अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा एक काउंसलिंग मॉड्यूल भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन रिमोट का बटन दबाकर इसका भी विमोचन करने के लिए। दिव्य सज्जनों, ये प्री और पोस्ट काउंसलिंग सिकल सेल लक्षणों एवं रोग वाली गर्भवती महिलाओं और सिकल सेल रोग से ग्रसित बच्चों के माता पिता के लिए तैयार किया गया है और व्यावहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। दिव्य सज्जनों, हर व्यक्ति को जिसको स्क्रीन किया जा रहा है उसका स्टेटस जानने के लिए और इसके साथ साथ प्री मैरिटल और एंटी नेटल जेनेटिक काउंसलिंग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग अलग कलर कोडेड कार्ड्स बनाए गए हैं। देश में 278 ज़िलों के 50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 7.5 लाख सिकल सेल कार्ड आज वितरित किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है इस महावितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए इस सभागार में उपस्थित हमारे कुछ जो लाभार्थी हैं उन्हें उनका सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड प्रदान करने के लिए। और तालियों के बीच देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश से यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे लाभार्थी रीना सिंह गौड़ को, उन्हें उनका सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है।
और हमारे अगले हितग्राही हैं हेमराज कोल। और मध्य प्रदेश से ही अगले लाभार्थी राजेंद्र सिंह गौड़। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के तीन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनका सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड दिया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ से श्रीमती मंदाकिनी नाथ जोगी। और छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार। और अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में पहली बार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 3.5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को SMS के माध्यम से उनका डिजिटल आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया आप टैब पर क्लिक कर डिजिटल आयुष्मान भारत कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ करें। और देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर टैप पर क्लिक करते ही जैसे आप देख रहे हैं 3.5 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को उनका डिजिटल आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। और इस कार्ड के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। और अब इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 1 करोड़ PVC आयुष्मान कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रहा देश अब बरसों पुराने सपनों को भी साकार कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि बीमारी लाचारी नहीं बनेगी, एक स्वस्थ जिंदगी पर सभी का अधिकार है। और इसे सुनिश्चित किया गया 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करके। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होंगी। योजना ने 4.5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ से अधिक निशुल्क उपचार प्रदान कर करोड़ों देशवासियों को नई जिंदगी दी और साथ ही साथ उनके परिवारों को आर्थिक संकट से बचाया। इन उपचारों पर सरकार ने 63,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है, जिससे गरीबों के 1,00,000 करोड़ की बचत हुई। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपना मिशन बनाया है। हमारा संकल्प है कोई गरीब धन के अभाव में बिना इलाज के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय के तहत 1.8 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गयी। राज्य में अब तक 3.57 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 27,00,000 से अधिक निशुल्क इलाज किए गए, जिन पर सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया। आयुष्मान भारत के तहत मेरा इलाज हुआ और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं मोदी जी और शिवराज मामा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर साथ ना होता मोदी जी का तो हम इलाज भी ना करते, कोटी कोटी रुपए।
योजना का लाभ अंतिम जन तक पहुंचाने हेतु देश भर में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत देश में पिछले 2 वर्षों में 14 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने एवं इसके लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लाभार्थियों की सूची मोबाइल पर आसानी से देखी जा सकती है। आज देश को आयुष्मान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही 3.5 करोड़ लाभार्थियों को SMS के माध्यम से डिजिटल कार्ड भी पहुंचाए जा रहे हैं। PM जय, अब गरीबों की जय, गरीबों की जय बने। तो देवी सज्जनों, इन सभी लाभार्थियों के चेहरे पर प्रधानमंत्री जी के लिए प्यार, आदर, सत्कार और आशीर्वाद झलकता है। और इसी कार्यक्रम के सांकेतिक हमारे साथ यहाँ पर कुछ आयुष्मान भारत के लाभार्थी भी हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ उन्हें उनका फिजिकल कार्ड, PVC आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के लिए। तो मंच पर आमंत्रित हैं अदिति यादव। देवी सज्जनों, ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं अदिति यादव, जिन्हें अब प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। देवी सज्जनों, छोटी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे अगले लाभार्थी प्रेम प्रकाश। और अगले लाभार्थी रुबीना बेगम। सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा आज शुरू की गई हर एक नई पहल एक स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और एक न्याय संगत समाज की संरचना में और अधिक गति और अधिक प्रगति लाएगा। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी इज़ अ मैन ऑन अ मिशन। और एक विभूति की तरह अनन्य भाव से उनके सभी कर्म सभी के कल्याण को समर्पित हैं। देश के हर एक नागरिक के लिए कुछ बड़ा करने और इस देश को अनेक नई ऊंचाइयों पर ले जाने को समर्पित हैं। तो हम सभी के श्रद्धेय पथ प्रदर्शक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी,
सांसद श्री वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण, देश भर से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे अन्य सभी महानुभाव और इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय सेवा, जय जोहार। आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज या अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। मैं आप सभी को, मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवार के जनों का जीवन बचाने का। साथियों, मैंने देश के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के बीच एक लंबा समय गुजारा है। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी बहुत कष्टदायी होती है। इसके मरीजों के जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, शरीर में सूजन और थकावट रहती है, पीठ, पैर और सीने में असहनीय दर्द महसूस होता है, सांस फूलती है। लंबे समय तक दर्द सहने वाले मरीज के शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये बीमारी परिवारों को भी बिखेर देती है और ये बीमारी न हवा से होती है, न पानी से होती है, न भोजन से फैलती है। ये बीमारी ऐसी है जो माता पिता से ही बच्चे में ये बीमारी आ सकती है। ये आनुवंशिक है और इस बीमारी के साथ
जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी जिंदगी चुनौतियों से जूझते रहते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में सिकल सेल एनीमिया के जितने मामले होते हैं उनमें से आधे 50% अकेले हमारे देश में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 70 सालों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। इससे निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। हमारे जो गवर्नर है श्रीमान मंगूभाई, आदिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करीब 50 साल से मैं और मंगूभाई आदिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं और हम आदिवासी परिवारों में जाकर के इस बीमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागरूकता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहां इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं जापान की यात्रा पर गया तो मैंने वहां नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बीमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मांगी थी। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। ये जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तालमेल के साथ काम करें, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है ये आप भी जानते हैं।
बिना किसी बाहरी लक्षण के भी कोई भी सिकल सेल का कैरियर हो सकता है। ऐसे लोग अनजाने में अपने बच्चों को ये बीमारी दे सकते हैं, इसलिए इसका पता लगाने के लिए जांच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्यक है। जांच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बीमारी का मरीज को पता नहीं चले। जैसे अक्सर अभी हमारे मनसुख भाई कह रहे थे कुंडली की बात, बहुत परिवारों में परंपरा रहती है, शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं, जन्माक्षर मिलाते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई कुंडली मिलाओ या न मिलाओ, लेकिन सिकल सेल की जांच का जो रिपोर्ट है, जो कार्ड दिया जा रहा है, उसको तो जरूर मिलाना और उसके बाद शादी करना। साथियों, तभी हम इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकेगा। इसलिए मेरा आग्रह है, हर व्यक्ति स्क्रीनिंग अभियान से जुड़े, अपना कार्ड बनवाए, बीमारी की जांच कराए। इस जिम्मेदारी को लेने के लिए समाज खुद जितना आएगा, उतना ही सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति आसान होगी। साथियों, बीमारियां सिर्फ एक इंसान को नहीं, जो एक व्यक्ति बीमार होता है उसको ही सिर्फ नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति परिवार में बीमार होता है तो पूरे परिवार को बीमारी प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार गरीबी और व्यवस्था के जाल में फंस जाता है। और मैं एक प्रकार से आपसे कोई बहुत अलग परिवार से नहीं आया, मैं आपके बीच से ही यहां पहुंचा हूं, इसलिए मैं आपकी इस परेशानी को अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ऐसी गंभीर बीमारियों को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इन्हीं प्रयासों से आज देश में टीबी के मामलों में कमी आई है। अब तो देश 2025 तक टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। साथियों, हमारी सरकार बनने के पहले 2013 में काला जार के 11,000 मामले सामने आए थे, आज ये घटकर 1,000 से भी कम रह गए हैं। 2013 में मलेरिया के 10 लाख मामले थे, 2022 में ये भी घटते घटते 2 लाख से कम हो गए। 2013 में कुष्ठ रोग के 1.25 लाख मरीज थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 70-75 हजार तक रह गई है। पहले दिमागी बुखार का एक कितना कहर था, ये भी हम सब जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसके मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, जब बीमारी कम होती है तो लोग दुख, पीड़ा, संकट और मृत्यु से भी बचते हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो।
इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। आज यहां मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आप याद रखिएगा, आज आपको जो कार्ड मिला है अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। ये आयुष्मान कार्ड गरीब के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की गारंटी है और ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, देश भर में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों में करीब 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं होता तो इन गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बीमारी का उपचार करना पड़ता। आप कल्पना करिए, इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ दी होगी। कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें इलाज करवाने के लिए अपना घर, अपनी खेती शायद बेचना पड़ता। लेकिन हमारी सरकार ऐसे हर मुश्किल मौके पर गरीब के साथ खड़ी नजर आई है। 5 लाख रुपए का ये आयुष्मान योजना गारंटी कार्ड गरीब की सबसे बड़ी चिंता कम करने की गारंटी है। और यहां जो आयुष्मान का काम करते, जरा कार्ड बुलाइए, कार्ड आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपये की गारंटी का कार्ड देता है। साथियों, गारंटी की इस चर्चा के बीच आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है। और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को बांप लीजिए।
साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपड़ करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वो 70 सालों में गरीब को भरपेट भोजन देने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है, मुफ्त राशन मिल रहा है। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में महिलाओं को धुएं से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन उज्ज्वला योजना से करीब 10 करोड़ महिलाओं को धुआं मुक्त जीवन की गारंटी मिली है। वो 70 सालों में गरीब को पैरों पर खड़ा करने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन मुद्रा योजना से 8.5 करोड़ लोगों को सम्मान से स्वरोजगार की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पी पी करके कोसते रहे हैं, यानी विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवी के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं, जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं, वो एक मंच पर दिख रहे हैं, यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं, यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे, लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर राजनीतिक दल की गारंटी से सतर्क रहना है। साथियों, इन झूठी गारंटी देने वालों का रवैया हमेशा से आदिवासियों के खिलाफ रहा है। पहले जनजातीय समुदाय के युवाओं के सामने भाषा की बड़ी चुनौती आती थी, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा दी गई है। लेकिन झूठी गारंटी देने वाले एक बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई कर पाए। वो जानते हैं कि अगर आदिवासी, दलित, पिछड़ा और गरीब का बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो इनकी वोट बैंक की सियासत चौपट हो जाएगी। मैं जानता हूं आदिवासी इलाकों में स्कूलों का, कॉलेजों का कितना महत्व है, इसलिए हमारी सरकार ने 400 से अधिक नए एकलव्य स्कूलों में आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा का अवसर दिया है। अकेले मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही
ऐसे 24,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज की लगातार उपेक्षा की। हमने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाकर इसे अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने इस मंत्रालय का बजट 3 गुना बढ़ाया है। पहले जंगल और जमीन को लूटने वालों को संरक्षण मिलता था, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत 20 लाख से ज्यादा टाइटल बांटे हैं। उन लोगों ने पैसा एक्ट के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन हमने पैसा एक्ट लागू कर जनजातीय समाज को उनका अधिकार दिया। पहले आदिवासी परंपराओं और कला कौशल का मजाक बनाया जाता था, लेकिन हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन शुरू किए। साथियों, बीते 9 वर्षों में आदिवासी गौरव को सहेजने और समृद्ध करने के लिए भी निरंतर काम हुआ है। अब भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। आज देश के अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच हमें पहले की सरकारों का व्यवहार भी भूलना नहीं है। जिन्होंने दशकों तक देश में सरकार चलाई, उनका रवैया आदिवासी समाज के प्रति, गरीबों के प्रति असंवेदनशील और अपमानजनक रहा। जब तक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी, तो हमने कई दलों का रवैया देखा है। आप एमपी के लोगों ने भी इनके रवैयों को साक्षात देखा है। जब शहडोल संभाग में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खुला, तो उसका नाम भी उन्होंने अपने परिवार के नाम पर रख दिया, जबकि शिवराज जी की सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम महान गौंड क्रांतिकारी राजा शंकर शाह के नाम पर रखा है। टंटिया मामा जैसे नायकों की भी उन्होंने पूरी उपेक्षा की, लेकिन हमने पाताल पानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर रखा। उन लोगों ने गौंड समाज के इतने बड़े नेता श्री दलवीर सिंह जी के परिवार को भी अपमान किया, उसकी भरपाई भी हमने की। हमने उन्हें सम्मान दिया। हमारे लिए आदिवासी नायकों का सम्मान, हमारे आदिवासी युवाओं का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। साथियों, हमें इन प्रयासों को आगे भी बनाए रखना है, उन्हें और रफ्तार देनी है, और ये आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। अभी शिवराज जी बता रहे थे कि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती आ रही है। मैं आज जब आपके बीच आया हूं, रानी दुर्गावती के पराक्रम की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, तो मैं आज देशवासियों के समक्ष घोषणा करता हूं कि रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। रानी दुर्गावती के जीवन के आधार पर फिल्म बनाई जाएगी। रानी दुर्गावती का एक चांदी का सिक्का भी निकाला जाएगा। रानी दुर्गावती जी का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला जाएगा और देश और दुनिया में 500 साल पहले जन्म हुए इस हमारे लिए पवित्र मां के समान उनकी प्रेरणा की बात हिंदुस्तान के घर घर पहुंचाने का एक अभियान चलाएगा। मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब साथ मिलकर विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। अभी मैं यहां से कुछ आदिवासी परिवारों से भी मिलने वाला हूं, उनसे भी कुछ आज बातचीत करने का मुझे अवसर मिलने वाला है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, सिकल सेल, आयुष्मान कार्ड, आपकी आने वाली पीढ़ियों की चिंता करने का मेरा बड़ा अभियान है। आपका मुझे साथ चाहिए, हमें सिकल सेल से देश को मुक्ति दिलानी है, मेरे आदिवासी परिवारों से को इस मुसीबत से मुक्त करवाना है।
मेरे लिए मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक काम है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरे आदिवासी परिवारों का मुझे साथ चाहिए। आपसे यही प्रार्थना करता हूं, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बनिए, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, ये है हमारे श्रद्धेय पंत प्रधान, हमारे परिवार के मुखिया की हम सभी के लिए इतना सोचने का, चिंता करने का उनका जज्बा, उनकी लग्न, उनकी कर्मनिष्ठा के लिए हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी को हम सभी के लिए सोचने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, आप सभी का भी बहुत